नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नामदेव स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। जो ये बैलेंसिंग है क्लास 9 से स्टार्ट हो जाती है और ये आपके 11 12 तक जाती है। इस जो बैलेंसिंग है केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग है ना, इसकी कई सारी स्टेप यानी कई सारी मैथड होती है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे सिंपल मैथड जिससे 9 क्लास का ही बच्चा सॉल्व कर सकता है, 10 का भी, 11 का भी और 12 का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करना। तो हमें कैसी ट्रिक है, बहुत ही इजी है, जो आपने कई बार देखा होगा कि मैथ में भी हम जब भी वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन को तो LHS बराबर RHS लेके चलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम केमिकल इक्वेशन को भी लेके चलते हैं कि LHS बराबर RHC। देखो सबसे पहले देखना कि हमारे एटम्स कौन कौन से, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, इसमें हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। तो जो इसको यहां पर LHS में लिख लीजिए और LHS में जो एटम्स होंगे वो ही कार में होंगे, RHS में होंगे तो सेम होंगे। जैसे Mg, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ भी सेम होंगे, RHS में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको लिख लीजिए LHS में भी और RHS में भी। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले LHS में देखते हैं ना, LHS में देखते हैं कि Mg कितने हैं, Mg 3 है तो हम इसको 3 ले रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ देखो और कहीं तो नाइट्रोजन नहीं है LHS में, नहीं 2 ही है तो हम 2 नाइट्रोजन लिख ले रहे, 2 नाइट्रोजन है। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं LHS में, 2 है तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन भी 2 लिख लिया। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन की जगह पर 1 लिख ले रहे, ठीक है। यहाँ यानी कि हमारा LHS कंप्लीट है। अब हम चल के देखते हैं RHS में कैसे कैसे जो एटम्स है कितने नंबर्स में। हम देखते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम देखिए यहाँ पर 1 है तो क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे सिंगली। इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आप देखो यहीं पर है, यहाँ तो है नहीं, ऑक्सीजन 1 है यहाँ पर। और हॉलट्रॉइस, हॉलट्रॉइस का मतलब होता है उस जो अंदर का ब्रैकेट है उसके अंदर जितने एटम्स मौजूद हैं उसका 2 से मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के भी 2 होंगे, यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 है, पहले यहाँ के लिख लो है ना, दोनों साइड के देख लेना। फिर उसके बाद हम देखना यहाँ हाइड्रोजन 3 है तो 2+3 कर दीजिए, ठीक है। अब हम देखना है कि नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन केवल सिंगल 1 है। चलिए ये सब अपन ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करना, बिल्कुल LHS बराबर RHS लेके चलना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए सबसे पहले मैग्नीशियम से देखते हैं, तो मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है तो हम इसको बैलेंसिंग करना, यहाँ पर तो 3 है यहाँ पर 1 है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 करना है। तो आप हर कहीं 3 नहीं लगाएंगे, यहाँ नहीं लगा सकते 3, आपको सबसे आगे आगे लगा सकते हैं 3, तो हम क्या कर देंगे, आगे हम लगा देते हैं यहाँ पर 3, ठीक है। तो ये हो गए 3, मैग्नीशियम 3 हो गए। अब आप देख रहे हैं जब मैग्नीशियम 3 हो गए तो उसके साथ कौन कौन से एटम्स भी डबल हो गए, ये देखिए जो हॉलट्रॉइस था इसका जब मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा तो ये भी 6 हो जाएंगे, यानी कि जो हमारे ऑक्सीजन थे वो भी बढ़ गए, हाइड्रोजन भी बढ़ गए। तो ऑक्सीजन अब कितने हो गए, अभी कितने थे 2 थे, ऑक्सीजन 2 था, अब हो गए कितने 2, 3, 6, तो यहाँ पर 6 में ऑक्सीजन कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन भी कितने थे, हाइड्रोजन यहाँ वाले 2 थे तो यहाँ वाले कितने हो गए 6 हो गए, और ये 3 ऑलरेडी थे तो 6 और 3 ये हो गए 9। अब उसके बाद देखते हैं कि ये तो बैलेंस हो गया है ना, तो यहाँ पे इस पे हम टिक लगा दे रहे हैं, यानी ये हमारे मैग्नीशियम 3 हो गए, ठीक है, ये वाली बराबर, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है नाइट्रोजन 2, यहाँ पर 2 है नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, अब देखते हैं हम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है तो इन दोनों को भी बैलेंस करना है ना, LHS बराबर RHS करना, तो हम देखें कहाँ कब पर कम है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है तो इसको हमें 2 करना है। तो मैंने पहले बताया था कि यहाँ कहीं नहीं लिख सकते, यानी कि ये जो N लिखा आप यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते है ना बैलेंस करने के, आगे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 ऐड कर दें, ठीक है, अब यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 है ना, बैलेंस बराबर हो गए। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इसके साथ क्या चीजें चेंज हो गए, देखो नाइट्रोजन 2 हुआ यानी यहाँ पर यदि कोई नंबर हमने ऐड करा, ये NH3 लिखा था
यहाँ पर यदि कोई नंबर ऐड करा है हमने 2, तो ये तो इसके मल्टीप्लाई में है, साथ में ये भी मल्टीप्लाई में है, ठीक है। जब ये तो हो गया बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, बढ़ गया। तो सबसे पहले जो बड़ी हुई चीज को लिख ले, हाइड्रोजन कितना था अभी तक, यहाँ इस साइड वाला क्या था, इस साइड वाला 3 था, अब क्या हो गया 3 × 2 = 6 हो गया, है ना। तो इसको अपन कर दे रहे हैं अब 6, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल, अब हाइड्रोजन हो चुके हमारे 12 और नाइट्रोजन बराबर हो गए हमारे, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी हमारे 2 हो गए, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बराबर। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे 2 है, यहाँ पर हमारे 12 हो गए, यानी जिस जगह कम होते हैं उस जगह पे हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 12 है, तो इसको 12 करना है, तो कैसे करें, देखो कहाँ पर है हमारा हाइड्रोजन, हमारा हाइड्रोजन यहाँ है और हाइड्रोजन 2 है, यदि मैं यहाँ पर 6 लिख दूं तो क्या ये 12 हो जाएंगे, बिल्कुल स्टूडेंट, यहाँ पर 6 है, 6 × 2 = 12, यानी ये भी बैलेंस हो गया हमारा, ये भी बैलेंस हो गया ना, ठीक है, ये 12 हो गए, ये भी 12 हो गए, ठीक। अब लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन को बढ़ाया हमने 6 करा उसके साथ, ऑक्सीजन भी बढ़ गए, यहाँ पर कितने हो गए अब ऑक्सीजन, ये हो गया 6 का मल्टीप्लाई 1 में, यानी ऑक्सीजन हमारे बंद थे, जब 6 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो ये भी 6 हो गए। क्यों हुए, कि मैंने पहले ही बता चुका हूं H2O लिखा था मैंने, यहाँ पर 6 ऐड करा है, तो 6 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो ये कितने हुए, ये भी 6 हो। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ ऑलरेडी 6 थे, यानी हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। यदि इस LHS बराबर RHS का यूज करेंगे आप, चाहे वो 11th के स्टूडेंट या 12th के या फिर 10th के, बैलेंसिंग करना वेरी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से देखते हैं हम स्टार्टिंग से, सबसे पहले क्या करना है आपको, इक्वेशन को उतार लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन में जो एटम्स होंगे, देखो एटम्स ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर Mg है तो यहाँ पर Na बन गया, है ना, Mg यहाँ है तो यहाँ भी Mg होगा, दोनों साइड एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो आपको एटम्स लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम रहेंगे, उसके बाद आपको जो पहले से दिए गए हैं नंबर्स, यानी कितनी कितनी संख्या में एटम्स मौजूद हैं, वो पहले लिख लीजिए, फिर बारी बारी करके एक एक को क्या करते जाइए, एक कॉल करते जाइए, और जैसे ही सभी बराबर हो गया, LHS बराबर क्या हो गया मेरा, RHS हो गया, यानी कि मेरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे नामदेव स्टडी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू दोस्तों।